वेलकम टू स्पोर्ट्स कॉर्नर। 2 जुलाई को इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला गया। वेस्ट इंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर ने लगातार चौथी बार टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और पूरी टीम 50 ओवर खेलकर 9 विकेट पर 189 रन ही बना सकी। वेस्ट इंडीज की तरफ से सिर्फ एविन और काइल होप ही 30 रनों के आंकड़े को पार कर सके। इंडिया की ओर से उमेश यादव ने 10 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने उनका भरपूर साथ दिया और 10 ओवर के अपने स्पेल में 40 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इंडिया के सामने जीत के लिए 190 रनों का टारगेट था। इंडिया की बैटिंग लाइनअप को शुरुआत में ही झटके लगे और इंडिया ने सिर्फ 47 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए। फॉर्म में चल रहे रहाणे ने एक बार फिर इंडिया को संभाला। रहाणे ने 60 रनों की जिम्मेदारी भरी पारी खेली जिसमें 7 चौके शामिल थे। रहाणे के आउट होने के बाद भी धोनी ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। धोनी ने 114 बॉल खेलकर सिर्फ एक चौके की मदद से 54 रन बनाए। ये धोनी के करियर की सबसे स्लो हाफ सेंचुरी थी। हार्दिक पांड्या ने धोनी का अच्छा साथ दिया और 21 गेंदों का सामना करके 20 रन बनाए जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन जडेजा एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। जडेजा के आउट होने के थोड़ी ही देर बाद धोनी भी आउट हो गए और टीम इंडिया की जीत की उम्मीद भी खत्म हो गई। इंडिया की पूरी टीम 10 विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी। इस तरह वेस्ट इंडीज ने ये मैच जीतकर सीरीज में वापसी की। इंडिया 5 मैचों की सीरीज में अभी भी 2-1 की लीड लेकर आगे चल रहा है। वेस्ट इंडीज के जीत के हीरो कैप्टन जेसन होल्डर रहे। जेसन होल्डर ने अपने 9.4 ओवर के स्पेल में 27 रन देकर 5 विकेट लिए। अपनी इस शानदार बॉलिंग के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।